न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। लॉकडाउन के दौरान मुस्लिम समाज ने सादगी के साथ मनाया ईद का त्यौहार। घरों में ही अदा की नमाज, मस्जिदों ईदगाहों में लटके रहे ताले, सुरक्षा के रहे व्यापक इंतजाम। सोमवार को जिले में कोरोना से हुई चौथी मौत, 8 नए मरीज। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 53, 6 कोरोना संक्रमित ठीक होकर हुए डिस्चार्ज। अब जिले में कोरोना एक्टिव केस 43, सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी जानकारी। डीएम और एसएसपी ने गोरखनाथ क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर फोर लेन में पड़ने वाले मकानों को खाली करने और उन्हें ध्वस्तीकरण की होने वाली कार्रवाई का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि सोमवार को बनाए गए 3 और हॉट स्पॉट सदर तहसील में अब कुल बने 14 कंटेनमेंट जोन। सभी हॉट स्पॉट क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की होगी होम डिलीवरी, जारी सभी पास हुए निरस्त। एसटीएफ और शाहपुर पुलिस के हत्या चढ़ा 25,000 का इनामी बदमाश, हत्या सहित कई आपराधिक मामलों में था वांछित, कट्टा कारतूस बरामद। चिलुवाताल थाना क्षेत्र में बनाए गए हॉट स्पॉट गांव बरगदवा का डीएम और एसएसपी ने किया निरीक्षण। ग्रामवासियों को घरों में ही रहने की दी नसीहत, कहा करें लॉकडाउन का पालन। सोमवार को 20,000 श्रमिकों को लेकर गोरखपुर स्टेशन पहुंची 17 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें। श्रमिकों को परिवहन निगम की बसों से उनके जिलों को किया गया रवाना। जंगल कौड़िया से मोहद्दीपुर तक बनाए जा रहे फोर लेन के लिए तोड़ी गई गोरखनाथ मंदिर की आवासीय दुकानें तथा थाने की बाउंड्री, एसडीएम सदर ने कहा जल्द पूरा होगा फोर लेन का काम। रामगढ़ ताल थाने की पुलिस के हत्थे चढ़े 2 अंतरजनपदीय साथी लुटेरे, 90,500 रुपया नगद, 1 मोटरसाइकिल व तमंचा कारतूस बरामद। कौवाबाग रोड अंडर ब्रिज के उत्तर तरफ के अप्रोच का शेड कार हुआ पुनः प्रारंभ, सीपीआरओ ने कहा शीघ्र ही समाप्त कर लिया जाएगा कवर लगाने का कार्य। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए मंडी परिषद द्वारा 2288 फल सब्जी ठेला विक्रेताओं का थर्मल स्कैनिंग कराने के बाद जारी किया गया पास, सिटी मजिस्ट्रेट ने किया अपील, पास होल्डर ठेलों से ही खरीदें फल और सब्जी। और पूर्व सदर सांसद प्रतिनिधि स्वर्गीय बालकृष्ण बजाज की 12वीं पुण्यतिथि पर आयोजित हुआ रक्तदान शिविर, ब्लड बैंक के प्रभारी ने कहा जरूरतमंदों को मिलेगी मदद।